मियां खलीफा ने फिलिस्तीन या हमास के लोगों को फ्रीडम फाइटर बताया और इजराइल पर उनके अटैक को सही बताया। तो उसके बाद प्लेबॉय ने उन्हें फायर कर दिया। उधर से एक कैनेडियन ब्रॉडकास्टर था, उसने भी मियां खलीफा को जॉब से हटा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुले रूप से फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। एक वर्ग उम्मा के नाम पर हमास के द्वारा किए गए कृत्यों को जस्टिफाई कर रहा है। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं हमारे मियां भाई। रवीश कुमार को हमास में लोग पीड़ित लग रहे हैं। एक पीड़ित है यानी फिलिस्तीन है, और कुछ चाइनीज दलालों को हमास में फ्रीडम फाइटर दिख रहे हैं। और इन सब का बेसिक लॉजिक ये है, इस्राइल हैज ओनली बीन अ स्टेट सिंस 1948, पैलेस्टाइन इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। पर ये बात पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि पहले किंगडम ऑफ इसराइल ही था। यहाँ तक कि कुरान तक में इसराइल के बारे में लिखा है। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में भी इसराइल का जिक्र है, ना कि पैलेस्टीन का। रोमन एम्परर हार्डियन, जो कि क्रिश्चियन बन गया था, उसने क्राइस्ट का बदला जूस से लेने के लिए जूस को इसराइल से भगा दिया। उन भागे हुए जूस ने 1948 में पुनः इसराइल को क्लेम किया।